Assalamu alaikum students, how are you? I'm your Islamic teacher, Miss Amira from Metropolitan Foundation School. Okay students, आज हम अपने सारे अजबाक का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. और लास्ट टाइम आपने क्या क्या याद किया था, आपको याद है हमने कौन कौन से अजबाक याद किए थे? तो आज हम अपने सारे अजबाक का जो हमने लास्ट टाइम तक पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे. ओके, नाउ ओपन योर बुक. दिस इज़ आवर बुक इस्लामियत. इस्लामियत हमारी सबसे प्यारी. नाउ ओपन योर बुक. ओपन पेज नंबर 4. इस पे हमने क्या पढ़ा था? तऊज, तस्मिया, पहला कलमा. तऊज हमने पढ़ा था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. इसका तर्जुमा था, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से. उसके बाद क्या था? तस्मिया. तस्मिया था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. फिर हमने पढ़ा था पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पेज नंबर 5 पे, सफ़ा नंबर 5 पे हमने क्या पढ़ा था? हमारे प्यारे अल्लाह ताला, जिसमें हमने अल्लाह ताला की वहदानियत बताई थी और उनकी खसूसियात बताई थी. में पहला सवाल था, हमें और हमारे अम्मी अब्बू को किसने पैदा किया है? हमें और हमारे अम्मी अब्बू को किसने पैदा किया है? इसका जवाब है अल्लाह ताला ने. इसका जवाब है अल्लाह ताला ने. दूसरा सवाल है, आसमान, जमीन, सूरज, चांद और सितारे किसने पैदा किए हैं? इसका जवाब है अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला ने. ठीक है बच्चों, आपको पता है ना कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें किसने बनाई, वो किसने बनाई? अल्लाह ताला ने. अच्छा, फल, फूल, पौधे और दरख्त किसने पैदा किए हैं? तो जवाब है अल्लाह ताला ने. ओके स्टूडेंट्स, ज़मीन, चांद, सितारे, फल, फूल, पौधे सब किसने बनाए? अल्लाह ताला ने. अच्छा, हम किसकी इबादत करते हैं? किसकी बात करते हैं हम सब? अल्लाह ताला की. किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की, क्योंकि वही हमारा खालिक व मालिक है. ओके, जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत कौन देता है? अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना, तो जिंदगी और मौत भी अल्लाह ताला के ही हाथ में है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा. जस अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा. क्या अल्लाह ताला एक है? जी हाँ. क्या अल्लाह ताला एक है? जवाब है जी हाँ, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वाहिदुल्ला शरीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसका कोई माँ बाप है. वो हम सबका खालिक व मालिक है, वो वाहिद है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, उसी ने हम सबको पैदा किया है. दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं. ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
और इस सबक का मकसद क्या था? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको बताना कि वो कैसे थे, किस तरह के इंसान थे और दुनिया में किस लिए आए थे। ठीक है, अच्छा, हमारे सवाल नंबर एक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे? सवाल है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे? तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है मक्का मुकर्रमा में। जवाब है मक्का मुकर्रमा में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कोई भी पूछे तो टीचर पूछेंगे क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, तो आप क्या कहेंगे? मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में क्या है आपको पता है? वहाँ पर एक और चीज़ भी है, वहाँ पर अल्लाह ताला का घर है जहाँ मुसलमान हर साल ज़िलहज के महीने में हज करने जाते हैं, है ना? मक्का मुकर्रमा में है ना अल्लाह ताला का घर। ओके, खाने काबा जिसे कहते हैं वो अल्लाह ताला का घर है और वहाँ मुसलमान हर साल तमाम मुसलमान हज करने जाते हैं। ओके, अच्छा सवाल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दुनिया में भेजा? जवाब है अल्लाह ताला ने। अच्छा सवाल है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी अच्छी बातें किसने सिखाई? तो जवाब है अल्लाह ताला ने। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है? जवाब है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीचर आपसे पूछेंगे, कोई भी आपसे पूछेगा क्या हमारे अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कौन सा सबक पढ़ा था? तस्मिया, याद है आपको हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? तस्मिया। उसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस सबक में हमने तस्मिया का तारुफ पढ़ा था, ठीक है, कि तस्मिया क्या है और किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या है। अच्छा सवाल है, हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्या पढ़ते हैं हम? तस्मिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तस्मिया पढ़ते हैं। तस्मिया किसे कहते हैं? सवाल है तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। इसका जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। ओके, सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ओके स्टूडेंट्स, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमान का मतलब पूछा है तो हम उसका ही तर्जुमा उसमें बताएंगे कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा, शुरू हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ना, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या होता है? जवाब है अल्लाह ताला खुश होता है और हमारी मदद करता है।
बच्चों जब भी आप बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ते हैं, हम जब भी बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से क्या होगा, खुश होगा और हमारी मदद करेगा। ओके, अच्छा इसका सवाल है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने का हुक्म किसने दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने का किसने हुक्म दिया है? तो आपका जवाब होगा अल्लाह ताला ने। हम सबको बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ने का हुक्म किसने दिया, अल्लाह ताला ने। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नेक्स्ट अपना आज जो लेसन किया है वो क्या है, जो हमने आज उसके बाद अपना लेसन नया लेसन किया था वो क्या था, इस्लाम। क्या था? इस्लाम। इसमें हमने दीन का तारुफ पढ़ा था और उसकी अहमियत का एहसास पैदा किया था। ठीक है, तो बच्चों दीन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन से दीन से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है और हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सवाल इसमें क्या था, पहला हम कौन हैं, हम कौन हैं? तो इसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन हैं, मुसलमान हैं। हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों में से पैदा किया, हमें मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ी बात कि हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हम उनके उम्मती हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसके बाद हमारा दीन क्या है, हमारा दीन क्या है? तो हम बोलेंगे इस्लाम। क्या है हमारा दीन बच्चों? इस्लाम। ओके, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम पर अमल करने को मुसलमान कहते हैं, यानी जो लोग भी दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, उस दीन इस्लाम के बताए हुए असूलों पर चलते हैं, के तौर तरीके पर चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुसलमान। ठीक है, अच्छा बच्चों इस्लाम क्या सिखाता है, जैसे हिंदुओं का मज़हब अलग है, उनका दीन अलग है, वो अपने दीन के तरीक़ों पे चलते हैं, उनके असूलों पे चलते हैं, तो हमारा दीन क्या है, इस्लाम। जैसे क्रिश्चियन है उनका दीन अलग है, उनका मज़हब अलग है, तो वो अपने असूलों पे चलते हैं, उनके और तरीके हैं, तो हमारा दीन क्या है, इस्लाम। हम अपने इस्लाम के तरीके पर अमल करते हैं, इस्लाम के असूलों पर अमल करते हैं, और इस्लाम पर अमल करने वालों को क्या कहते हैं, मुसलमान। अच्छा, उसके बाद सवाल है इस्लाम क्या सिखाता है, दीन और दुनिया की अच्छी बातें सिखाता है, दीन और दुनिया की अच्छी बातें सिखाता है। तो स्टूडेंट्स इस्लाम हमें क्या सिखाता है, दीन की भी अच्छी बातें और दुनिया की भी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है कि दीन और दुनिया में क्या है और हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। ओके, इस्लाम का कलमा क्या है, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, उसके बाद है मुसलमान किसका हुक्म मानते हैं, मुसलमान किसका हुक्म मानते हैं? तो जवाब है अल्लाह ताला का। मुसलमान किसका हुक्म मानते हैं, अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें बनाया है ना, अल्लाह ताला ने ही हमें पैदा किया है, तो हम किसका हुक्म मानेंगे, दुनिया की तमाम चीज़ें दुनिया को बनाने वाला ही अल्लाह ताला है, तो हम किसका हुक्म मानेंगे, अल्लाह ताला का। अच्छा, मुसलमान मुसलमान का क्या है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, क्या है, मुसलमान मुसलमान का क्या है, भाई है। तो जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं, हम सब मुसलमान आपस में एक दूसरे क्या हैं, भाई हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है,
कि ये सारे असबाक जो हैं अपनी मम्मा की हेल्प से पढ़ने हैं, और आई होप आप सबको ये असबाक याद हो चुके होंगे और आप रोज़ अपनी मम्मा के साथ लेकर ये बुक बैठते होंगे, इसको याद करते होंगे, और बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं, मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे रीड कर रहे हैं, ख़ुद रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स उनको हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से ये सारे असबाक को रिविजन करना है यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इस्लाम तक, और इसके अलावा आपने हमारी ग्रुप पे जो भी आज वीडियो आया उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट ज़रूर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मा पापा का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।